बात है लुक्की भाई, बड़े अच्छे कंगन पॉलिश किए मेरे, बिल्कुल नए हो गए हैं। मैंने ना कुछ और सामान भी निकाला है, भिजवाती हूँ आपके पास। अरे रब्बा, पता नहीं क्या क्या गिरा है। अरे ताला क्यों लगा हुआ है? Okay, bye, मैं रखती हूँ। Yes, baby. किसका कमरा है? Don't know. इसमें ताला क्यों लगा हुआ? Don't know. इसकी चाबी कहाँ है? Don't know. Then what do you know? But I don't know. इस कमरे का ताला तो मैं तोड़वा लूंगी, तेरे दिमाग के तालों का क्या करूँ? तुझे इतना भी नहीं पता कि जिस घर में तू रहती है उस घर के कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है? रामू, सुंदर, हथौड़ा लेके आओ, ताला तोड़ना है। जल्दी करो, सारा दिन नहीं है मेरे पास। मम्मी सब क्या हो रहे हैं? I don't know. इतना अंधेरा क्यों? प्रकाश लाइट ऑन कर दे, एक लाइट का स्विच कहाँ है? एक मिनट देखता हूँ। बुरा 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 ये फोटो किसकी है? यहाँ क्या कर रही? कौन है भाई ये? आशीष मेहता, आशीष मेहता नाम है इनका। तुझे कैसे पता? इतनी अंधी हो गई थी नफरत में, तूने मम्मा को मार दिया। पापा, क्या पापा? दयावंती मेहता का बड़ा बेटा है ये बेबे। हाँ लेकिन यहाँ ये बेबे फिल्म डायरेक्टर है, आप नहीं जानती ने? ये तो बड़ी फेमस है। आई थिंक ये इस रूम में कब से नहीं आया, शायद इसी वजह से रूम भी इतना सूना सूना बंद पड़ा हुआ है। हम तो अभी शिफ्ट हुए ना बेबे, तो हमें क्या पता इस रूम के बारे में। श्वेता जी, बेबे ये कमरा जरा अच्छी तरह साफ करा। बंद कमरों में मनुष्यत रहती है और मैं नहीं चाहती इस घर में कोई भी मनुष्यत रहे। ओके बेबे। रामू काका सुंदर, ये कमरा अच्छे से साफ कर देना। हम्म, और संभाल के है, कोई चीज टूटने ना पाए। हाँ। मैं इस बच्ची को नहीं जानता। पहली बार मुझे लग रहा है कि जो मेरे और आशुटी के बीच था प्यार नहीं था, वो एक भूल थी, और तुझ जैसी औलाद हमसे पैदा ही नहीं होती। तुम ठीक हो? बाहर से तो ठीक हूँ, लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। नफरत करती हूँ मैं उस आदमी से, उसने मेरी माँ को कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, अपनी बेटी का नामकरण नहीं किया। कभी कभी मैं सोचती थी कितना अच्छा होता ना अगर मैं माँ, अमन और आशीष मेहता सब साथ होते, एक हस्ती खेलते परिवार की तरह होते। पता है, जब मैं दूसरों के परिवार को देखती थी ना, तो सोचती थी कि मेरा परिवार ऐसा क्यों नहीं है, मेरे परिवार में क्या खराबी है, हम क्यों नहीं खुश रह सकते।
उनकी तरह क्यों नहीं रह सकते? फोन में ऐसे लिखने को भी कहते थे पापा के ऊपर। मैं लिखती थी, फिर उसको मिटाती थी, फिर लिखती थी, फिर मिटा देती थी। कागज पे लिखा हुआ तो मिट जाता था, पर जो किस्मत पे लिखा हुआ है वो कैसे मिटाऊं? इस गोली के निशान को कैसे मिटाऊं? मेरा जो पूरा बचपन छिन गया उसे कैसे वापस लाऊं? जो वक्त चला गया उसे कैसे मैं वापस जीऊं? मेरी माँ को मैं कैसे प्रपोज? अनीश, जो आंसू बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Listen to me. No more tears. अब मैं तुम्हें एक जादू की ट्रिक दिखाता हूं, देखनी है? ऐसा चल। Come.